दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जो कि नया आ चुका है जिसका नाम व्योम एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में आपको किस तरीके से फंड ट्रांसफर कर सकते हो, किसी के अकाउंट में आपको पैसा भेजना है तो किस तरीके से आप भेज पाओगे, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहां से सिंपली आपको लॉगिन करके एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है। अब बेसिकली एप्लीकेशन जब आप सक्सेसफुली लॉगिन कर लेंगे तो यहां पर देखिए दोस्तों आपको क्या करना है। अगर आपको अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना है तो इसके लिए सिंपली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। सिंपली यहां पर एक सेविंग अकाउंट दिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आप। अब देखिए यहां पर आपको कुछ समझने की जरूरत है। आपको यहां पर डिटेल्स आएगी, यहां पर मिनी स्टेटमेंट है, फिर स्टेटमेंट है, यहां पर एक ऑप्शन आता है ट्रांसफर का ऑप्शन। अब बेसिकली ट्रांसफर के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर आता है पेई ट्रांसफर और क्विक ट्रांसफर। क्विक ट्रांसफर पे आप क्लिक करके यहाँ से सामने वाले के बैंक में पैसा भेज सकते हो। और पेई ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि आप मोबाइल नंबर से पैसा भेज सकते हो, ठीक है। अगर आप भेजोगे तो वो रिसेंटली में आ जाए। तो यहाँ पर आपको क्विक ट्रांसफर पे सेलेक्ट करके यहाँ पर सिंपली सामने वाले का कौन से बैंक में अकाउंट है, अगर यूनियन में है तो यूनियन सेलेक्ट करेंगे, अगर कोई दूसरी बैंक में अकाउंट है नीचे अदर बैंक का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पेई का नेम डालना है जिसको आप पैसा भेज रहे हो उसका नेम, उसका यहाँ पर अकाउंट नंबर, उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर दो बार डालना है और उसके बैंक का आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर इसमें इंटर करना है। अकाउंट टाइप पे आप सेविंग सेलेक्ट कर लीजिए उसका जो भी अकाउंट है और अमाउंट में कितना पैसा आप उसको भेज रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 11। उसके बाद रिमार्क में आपको कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, चाहे तो कुछ लिख सकते हो, ठीक कुछ भी लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेलेक्ट रिमार्क तो यहाँ पर ऑप्शनल है। अब क्या करना है आपको, सिंपली दो ऑप्शन आपके देखने को मिलता है IMPS NEFT। IMPS में इंस्टेंटली पैसा ट्रांसफर हो जाएगा जिसकी लिमिट आपको यहाँ पर 50,000 पर डे देखने को मिलती है। और NEFT पे आप देख सकते हो NEFT में पैसा आपको 2 घंटे या फिर अगले दिन में अकाउंट में क्रेडिट होता है। IMPS सेलेक्ट किया, अब सिंपली डिटेल्स डालने के बाद आपको प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर डिटेल्स एक बार आप चेक कर लीजिए, उसके बाद सिंपली कंफर्म का ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो ट्रांजेक्शन पिन है एप्लीकेशन का वो एंटर करेंगे आप। वी आर द फास्ट, आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। इस रिसिप्ट का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पेमेंट सामने वाले का अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। और भी आपको वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको मिल जाएंगे। इस एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे वीडियो हमने चैनल पर बना रखे हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और ऐसी वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।